मुजफ्फरपुर के दो प्रखंड सरैया और मड़वन में हुए पंचायत चुनाव के नतीजे आज आने जा रहे हैं। कुल 6 पदों के लिए 1187 सीटों के परिणाम आ जाएंगे। आपको बताते चले कि 5125 उम्मीदवारों ने इस चुनाव में अपना भाग्य आजमाया था। अब देखना ये होगा कि परिणाम किसके पक्ष में जाता है और किसको निराशा हाथ लगती है। इसी कड़ी में हमारे संवाददाता कुमार गौरव मतगणना स्थल पर मौजूद हैं और वहां की स्थिति का अपडेट दे रहे हैं। मुजफ्फरपुर में दूसरे चरण के मतदान के बाद आज मतगणना पहली मतगणना शुरू हो चुकी है। RDS कॉलेज में अभी मौजूद हूं। समय 11 बज गए हैं, अभी तक मतगणना शुरू नहीं किया गया है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन के दावे की पोल खुल रही है। स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। कहीं ना कहीं पंचायत का प्रधान बनने का और पंचायत का की न्यायपालिका को लेकर के लोगों का में हुजूम है। एक तरफ जीत का लोगों में जीत का उत्साह, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं हार की आशंका जताई जा रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि किसके सर पे पंचायत का ताज चढ़ेगा और क्या होगी आगे की व्यवस्था। थोड़ा हम इस आपको सब कुछ इस वीडियो में दिखाएंगे और सभी वस्तु स्थिति आपको हम लाइव कवरेज के माध्यम से। अभी DDC आ गए हैं, मुजफ्फरपुर के उप विकास आयुक्त मौके स्थल पर पहुँचे हैं। उम्मीद की जा रही है कि यथाशीघ्र मतगणना शुरू हो जाएगी, लेकिन अब देखना होगा कि कब तक मतगणना होगा और किसके सर पर पंचायत का प्रधान का पद सेहरा सज पाएगा। कैमरे के पीछे सहयोगी है और मुजफ्फरपुर नाउ आप देख रहे हैं। चार ड्यूटी लगा दिए हैं, लगाए हैं ड्यूटी तो व्यवस्था करनी है आपके काम की नहीं थे। बहुत बोलने तो नहीं, आदमी जब रुष्ट हो जाता है तब बोलता है। आप रिजर्व वाले को तो थोड़ा देर के बाद मिला रिजर्व वाला। इसी तरह बाकायदा दशमी के पंद्रह नंबर बूथ 31 नंबर के ऊपर 15 नंबर बूथ